शांति। आज की तारीख है 26/2/23 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली 31/12/93 की मुरली है। और आज की इस अव्यक्त ज्ञान मुरली का शीर्षक है कि नए वर्ष में सदा उमंग और उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। मुरली की शुरुआत मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज नवयुग के नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं देते, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की ये नई जीवन है। नई जीवन में आ गए हो ना, ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन यानी ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सब नया हो गया, स्मृति नई, वृत्ति नई, दृष्टि नई, सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है। वैसे भी नई चीज सबको प्यारी लगती है। तो यात्रा देते हुए बाबा बोले, चारों ओर के नवजीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नवयुग के आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाली समीप आत्माओं को सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीपात्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु शिव बाबा का तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे
स्वच्छ बनाने वाले नंबर वन श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण आत्मा भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर वन श्रेष्ठ आत्माएं हैं। महसूस करते हो ऐसा? आगे बाबा कहते हैं हीरे तुल्य है। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टीपन आप ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तू आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति।